हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ। दोस्तों, आज के सुपर संडे वीडियो नंबर थर्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं वीक में एक दिन जो रहेगा वो आपके समसामयिक करेंटिंग मुद्दे से क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो उस हफ्ते से जुड़े सभी करेंट अफेयर में सबसे महत्वपूर्ण होंगे। तो आज जो है हम लोग 22 से 28 फरवरी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो सारी वीडियो को आप क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट भी कर लीजिएगा। तो आपकी जो होगी धीरे धीरे आपकी समसामयिकी के साथ साथ आपके जीएस के भी सेक्शन जो है काफी अच्छे तैयार होंगी। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो भारत में बनाया गया, और भारत में किस स्थान पे बनाया गया है, तो भारत में अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है वहां पर मोटेरा नामक स्थान पर जो स्टेडियम बनाया गया उसका नाम ही क्या रखा गया है, मोटेरा स्टेडियम है। जबकि इसका पूरा नाम देखा जाए तो इसका पूरा नाम जो है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी आप इससे अब अच्छे समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है, भारत में है। भारत में जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद नामक अहमदाबाद जो है वहां पे उसका जिला है, उस जिले में मोटेरा नामक स्थान पर बनाया जाने वाला जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगर बात करते हैं कि अगर ये मोटेरा स्टेडियम नहीं था तब भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन था, तो भारत का उस समय जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वो आपका था ईडन गार्डन। यानी कोलकाता का जो ईडन गार्डन था वो जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम था। जबकि पूरे विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें तो इससे पहले जब तक मोटेरा नहीं था तब तक जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा वो था, उसका नाम था मेलबर्न, जिसकी क्षमता करीब आपके जिसकी क्षमता करीब लगभग 1 लाख थी, और इसकी जो क्षमता है ये आपका 1,10,000 है। यानी मोटेरा स्टेडियम की जो क्षमता है वो करीब यानी उसके दर्शकों के बैठने की क्षमता 1,10,000 है। इससे पहले सबसे बड़े स्टेडियम में मेलबर्न का नाम आता था जिसकी क्षमता करीब 1 लाख थी, और उस समय अगर ये मोटेरा की बात न किया जाए तो मोटेरा से पहले सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा था, यहाँ का ईडन गार्डन था जिसकी क्षमता करीब 66,000 थी। ठीक है, तो ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ खोला गया है, तो अहमदाबाद में जो गुजरात राज्य में पड़ता है उसका नाम मोटेरा स्टेडियम, उसका जो पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा के न रहने पर मेलबर्न था जिसकी क्षमता करीब 1 लाख थी, और मोटेरा की क्षमता कितनी है, 1,10,000 है, और ये है। और दूसरी बात किया जाए तो भारत का इससे पहले जो है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा था, ईडन गार्डन था। मोटेरा का उद्घाटन मोटेरा का जो उद्घाटन है वो आपके डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था, और कब किया गया, तो 24 फरवरी को किया गया। चलिए उसी में जो है आपको पता है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, 24 और 25 फरवरी के बीच वो भारत में यात्रा पर थे अपने पूरे परिवार के साथ। उसके बाद जो है उसी मोटेरा स्टेडियम में आए, उसके बाद ताजमहल सारे चीज को किए, तो हम लोग आगे आएंगे और डिस्कस करेगा। अगला हमारा टॉपिक है दूसरा करंट अफेयर का मुद्दा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली वर्षगांठ मनाई गई। यानी इसका मतलब है अगर पहली वर्षगांठ मनाई गई तो इसका मतलब है 2019 में स्टार्ट किया गया होगा। तो इसका जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली वर्षगांठ 29 फरवरी को कहां मनाई गई है, 29 फरवरी को कहां मनाया जाएगा, सॉरी मतलब अगर ये देखा जाए तो आपका ये चित्रकूट में मनाया गया। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली जो है वो आपकी पहली वर्षगांठ कहां मनाई गई है, 29 फरवरी को चित्रकूट में मनाई गई है। साथ ही देखते हैं कि ये जो है प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो चूंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपके जीएस वाले सेक्शन में महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 24 फरवरी, डेट याद रखिएगा दोस्तों काफी आपके लिए महत्वपूर्ण है, 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से इसका शुभारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली वर्षगांठ कब मनाएगी, तो 29 फरवरी को चित्रकूट में जो है मनाया गया,
और इसकी जो है पहली वर्षगांठ जो है यहां मनाई गई है। और जब इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री जो है किसान सम्मान निधि योजना में सरकार द्वारा करीब जो 14 लाख हमारे यहाँ जो कृषक है, यानी सॉरी 14 करोड़ जो कृषक है, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए साल भर में 2000 की तीन सैलरी, साल भर में उन्हें 2000 की तीन सैलरी दी जाएगी। इस प्रकार उनकी सैलरी जो होगी प्रत्येक किसान को लगभग 6000 रुपए मिलेगी, यानी 2000 की तीन सैलरी साल भर के अंदर किसानों को दी जाएगी, वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे और जो है भारत में पैदावार को बढ़ाए। इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, तो 24 फरवरी 2019 को कहां से, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गई थी। और इसकी पहली वर्षगांठ कब मनाई गई, 29 फरवरी चित्रकूट में मनाया गया। अगले क्वेश्चन आते हैं, इसरो द्वारा जी सेट फर्स्ट नामक जियो इमेजिंग सैटेलाइट किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया। तो आमतौर पर आपको ज्यादातर पता होना चाहिए कि जो लॉन्च व्हीकल होता है जीएसएलवी से ज्यादातर लॉन्च किया जाता है, तो इसका जो नाम है आप अच्छे से याद रखिएगा कि इसरो द्वारा जी सेट फर्स्ट नामक जियो इमेजिंग सैटेलाइट किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया, तो जीएसएलवी F10 जो है लॉन्च व्हीकल द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये एक हमारे पास क्या है, ये भूमि यानी जो है धरती जो है अवलोकन उपग्रह है, और इसका नाम है जी सेट रखा गया है। जी सेट फर्स्ट का मतलब आप इसी समझ सकते हैं, जी सेट फर्स्ट का मतलब ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट का नाम दिया गया, फर्स्ट है तो जी सेट मतलब फर्स्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जियो इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं। इसका काम है धरती का अवलोकन करना है। इसे कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये है 5 मार्च को, डेट कब याद रखिएगा, 5 मार्च को किया जाएगा। और 5:43 पर अगर समय सब कुछ सही रहा तो 5:43 पर इसे क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। कहां से लॉन्च किया जाएगा, तो वही आपके यानी जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप के सतीश धवन स्पेस जो है स्पेस सेंटर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, वही इसरो के द्वारा। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, सबको आपको पता होना चाहिए, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस एजेंसी के द्वारा क्या किया जाएगा, इसको लॉन्च किया जाएगा। वही बात की बात की जाए तो इसरो का जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना इसरो की स्थापना विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। कब किया था, तो 1969 में किया गया था। बात करें इसरो का जो है वो क्या है, यानी इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। तो इस तरीके से आप इतने पॉइंट को भी ध्यान रख सकते हैं। और इसके जो है वर्तमान जो है आपके वो कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है, तो ये जो है वो है के शिवान। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अजय वारियर 2020 किन दो देशों के मध्य हुआ। अजय वारियर एक आपका क्या सैन्य अभ्यास है, ये किसके किसके मध्य हुआ, तो भारत और ब्रिटेन के मध्य करीब 13 से 26 फरवरी के बीच में कौन से स्थान से हुआ था, सेलिसबरी यानी जो है ब्रिटेन का जो सेलिसबरी नामक स्थान है वहां से क्या हुआ था, ये अभ्यास हुआ है। कब हुआ था, 13 से 26 फरवरी के बीच में ब्रिटेन के सेलिसबरी जो है नामक स्थान पर हुआ है। अजय वारियर अभ्यास मतलब भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है, और इसमें आतंकवाद और जो है रक्षा समझौता को और अधिक मजबूत करने के लिए ये है आपका ये वार्षिक अभ्यास होता है। ये आपका कौन सा वार्षिक अभ्यास है, तो ये 5वां वार्षिक अभ्यास है। किसके किसके मध्य हुआ है, तो अजय वारियर 2020 किनके किनके मध्य हुआ है, तो भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ है। आगे आते हैं, हाल ही में भारत अमेरिका के मध्य कितनी धनराशि के डिफेंस डील हुई। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अभी देखा है कि 24 और 25 फरवरी के लिए जो है जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने पूरी परिवार के साथ क्या हुए थे, भारत के लिए भारत आए थे, और वहां पे उन्होंने क्या किया, मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया,
और ताजमहल को उन्हें ताजमहल का दीदार किया और साथ ही क्या हुए कुछ रक्षा समझौते पर भारत और अमेरिका के मध्य कुछ समझौते हुए। इन समझौतों में जो हुआ है जो $3 बिलियन का हुआ है यानी डिफेंस समझौता हुआ है, जो इसमें इनके रक्षा समझौते में हुए उनमें क्या था यानी 24 एमएच जो है वो क्या किया 60 रोमियो हेलीकॉप्टर का यूज किया गया और आपके और साथ में क्या किए गए तो आपके 6AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील हुई। ये था $2.6 बिलियन और ये था $800 मिलियन के बीच का रक्षा समझौता हुआ। तो ये याद रखेगा कि हाल ही में भारत अमेरिका के मध्य कितनी धनराशि की डिफेंस डील हुई, तो हाल ही में जो है वो $3 बिलियन की हुई, जिसमें से $2.6 बिलियन जो है 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए हुई, जो कि आपके लिए जो है नेवी के लिए ये लाई गई है। और साथ में आप देखेंगे तो ये एंटी जो है एंटी आपके सबमरीन और एंटी जो है मतलब उसको किसी प्रकार से उसको मतलब वो नहीं किया जाता, क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता है। साथ ही क्या है ये दिन और रात, ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर ये दिन और रात दोनों में ही मारक करने की इसके पास क्षमता है। और इसके में साथ में वो लगाया ट्रांसमीटर भी लगाया, उस ट्रांसमीटर की सहायता से क्या कर सकते हैं बड़े आसानी से किसी भी जो है दुश्मन को बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। साथ ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन यानी जो है सुरक्षा यानी बचाव के लिए ये जो है ये दोनों हेलीकॉप्टर जो है काफी भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए हम अपने पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ है। हाल ही में किसने 34वें कांस्य ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है, तो अभी हाल ही में जो है 34वां जो है वो हुआ है कांस्य ओपन जो है शतरंज टूर्नामेंट हुआ। कहां पर हुआ था ये, तो आपके फ्रांस में हुआ था जिसमें डी गुगेस जो है वो जो है इस टूर्नामेंट को जीत लिए हैं। और इनका जो वर्ष है ये 13 वर्ष के हैं और सबसे एक साल पहले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का भी अवार्ड जीत चुके हैं। तो डी गुगेस कहां के हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा डी गुगेस जो है ये तमिलनाडु का। किसको हरा के जीते, हरुथुन वर्ग श्रेग्यान को हराकर, यानी जो फ्रांस के ही खिलाड़ी थे हरुथुन वर्ग श्रेग्यान को हराकर इन्होंने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया। और इसमें वर्तमान में इनकी एज कितनी है, 13 वर्ष के हैं और इससे पहले एक साल पहले इन्हें सबसे युवा ग्रैंड मास्टर का भी अवार्ड दिया गया है। तो ये है, आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से आ सकते हैं, 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता, तो 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट को डी गुगेस ने जीता है, जो कि हरुथुन वर्ग श्रेग्यान को हराकर, जो कि फ्रांस के थे उनको हराकर ये खिताब इन्होंने जीता है। और इनकी जो वर्तमान एज है 13 वर्ष है, इससे पहले एक साल पहले यानी 2019 में ही सबसे युवा जो है ग्रैंड मास्टर का भी अवार्ड इन्होंने जीता है, ठीक। और ये कहां के, तमिलनाडु के। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ तीरंदाजी और शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ही इसकी घोषणा की गई है, तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। और दूसरी चीज, चूंकि इंडिया में होगा इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आपके लिए बन सकता है। कॉमनवेल्थ तीरंदाजी और शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो होगा वो पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल है चंडीगढ़, या साथ ही जो है यूनियन टेरिटरी भी है, तो चंडीगढ़ में ये आयोजित की जाएगी। कब की जाएगी, तो आपके January 2022 में आयोजन की जाएगी। जबकि जो कॉमनवेल्थ गेम है उसका भी आयोजन इसी 2022 में कहां किया जाएगा, तो बर्मिंग
बर्मिंघम में किया जाएगा, ये कहां पर है तो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में किया जाएगा। और कब से किया जाएगा तो 27 जो है आपके जुलाई से लेकर ये 7 अगस्त के बीच ये आयोजित किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ तीरंदाजी और शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां होगा तो ये चंडीगढ़ में होगा। और ये कब होगा तो 2020 के जनवरी माह में ये गेम आयोजित की जाएगी। साथ ही इसका जो मेन गेम होगा यानी इसमें तीरंदाजी और शूटिंग है और बाकी जितने गेम खेले जाएंगे कॉमनवेल्थ में वो उसी साल यानी 2022 में कब होंगे 27 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक होगा बर्मिंघम यानी इंग्लैंड में ये खेल आयोजित की जाएगी। बस इसका तीरंदाजी और शूटिंग चैंपियनशिप कहां होगा भारत में होगा वो भी जनवरी 2022 में। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया है इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जो है मैं जो वीकली बीच में एक समसामयिक मुद्दा उठाता हूं तो उसको वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को उठा लूं तो यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए मैं इनके बारे में पूरा चर्चा करते हैं। तो हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में से भारत प्रदूषण के मामले पे किस स्थान पर है तो भारत का जो प्रदूषण के मामले में इसका स्थान है ये 5वां है। तो इससे पहले सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन है तो सबसे ज्यादा प्रदूषित जो है आपके पहले नंबर पे बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे मंगोलिया और चौथे नंबर पे अफगानिस्तान और पांचवें नंबर पर भारत है। इस तरीके से इसके जो है पांचवें पायदान है, इसके चार पायदान को आप याद रखेंगे ठीक है। तो ये चार पायदान पर हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरी चीज इसके बारे में और बात किया जाए तो भारत के लगभग 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में तो लगभग 2/3 भारत के यानी 30 में अगर 30 शहरों का प्रदूषण देखा जाए तो सबसे उसमें जो है 30 शहरों की एक सूची बनाई जाए तो उसमें 21 शहर सिर्फ किसके हैं भारत के हैं। अगर 10 शहरों की सूची बनाई जाए तो इसमें 6 शहर जो हैं वो भारत के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है। और बात किया जाए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 में टॉप पर कौन है तो ये जो है टॉप पर सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है उसका नाम है गाजियाबाद जो कि 2018 के रैंकिंग में सेकंड नंबर पे था। इस बार किस रैंक पे आ गया फर्स्ट रैंक पे आ गया। इससे पहले जो था यानी इससे पहले कौन था इसमें तो इससे पहले इंडिया का ही था उसका नाम था गुरुग्राम तो वो पहले था लेकिन इस बार गाजियाबाद जो है प्रथम नंबर पर है। और जो है उसके बाद जो आपके टॉप जो है मतलब जो टॉप शहर है वो इसी गाजियाबाद में यानी अगर 10 टॉप शहरों को देखा जाए उसमें 6 आपके जो है भारत के हैं ठीक है। इसमें जो है हम लोग डीप में डिस्कस किया जाएगा इसके जो लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगले देखते हैं, पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हो रहा है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं जुड़ा है, इसमें क्या है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए ये कहाँ आयोजित हो रहा है तो ये उड़ीसा राज्य के कटक, कहाँ पे कटक में आयोजित किया जाएगा और कहां पे आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा के कटक और भुवनेश्वर में ये खेल आयोजित किया जाएगा। कटक का जो है वो कौन सा स्टेडियम है इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, अरे इंदौर स्टेडियम है, जबकि भुवनेश्वर का कौन सा स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम है। दोनों देश यानी कटक में कौन है जवाहरलाल नेहरू इंदौर स्टेडियम और भुवनेश्वर में कौन सा है कलिंगा स्टेडियम में ये गेम जो है आयोजित की जाएगी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन में भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से। हाँ देखा जाए ये कब होगा, पहले इसके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ कब हो रहा है मतलब ये आपका 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच ये गेम आयोजित किया जा रहा है यानी 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये गेम का आयोजन हो रहा है कहां पर तो ये आपके उड़ीसा राज्य के 2 शहर में कटक और भुवनेश्वर। कटक में कहां पर हो रहा है तो जवाहरलाल नेहरू इंदौर स्टेडियम और भुवनेश्वर में कौन से स्टेडियम है तो कलिंगा स्टेडियम में इन दोनों गेम का आयोजन मतलब इस जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जा रहा है। कितने आपकी वो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किए हैं तो 117 यूनिवर्सिटी ने इसमें भाग लिया है। लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है, 2020 CD3 क्या है तो 2020 CD3 एक मून है, एक मिनी मून है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है अर्थ के पास एक मून है जो चंद्रमा है
ठीक है। तो इसी तरीके से एक दूसरा जो है मतलब कोई भी क्षुद्र ग्रह जो है आपके आकर पृथ्वी की कक्षा में आ गया है, जो कि क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मिनी मून के नाम से जानते हैं। और इसमें जो ये थ्री का लगाने का जो सेंस रखा गया है, ये इससे पहले ये 3 साल पहले भी यही आपका जो है मिनी मून दिखाई दिया था। ये किसके आकार का होता है, तो ये कार के आकार का है, क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। अब जानते हैं डिफिनेशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा, क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं, तो उन सबको डिस्कस तो नहीं करा जाएगा क्योंकि यहाँ पर उसकी टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इतना समझ जाइएगा एक क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है जिसे मिनी मून कहते हैं, और ये कार के आकार का है, और ये 3 जो इसका लिखा होने का मतलब है कि ये 3 वर्ष पहले भी हमारे इंडिया, अरे हमारे जो है मतलब पृथ्वी के पास ये दिखाई दिया था, लेकिन चूंकि ये अस्थायी क्योंकि उस समय भी ये अपनी कक्षा छोड़कर चला गया था कुछ दिनों के बाद, तो ये भी है कुछ दिनों के बाद ये भी अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाएगा, तो ये क्या है अस्थायी मिनी मून है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जो है आज का जो समसामयिक घटना का क्रम है ये फिनिश हुआ है, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।